हमारा काम है कि मेरे पिता का जो सपना है शिवहर में रेलवे लाने का, उसको हम पूरा करें। युवाओं के दम पे ही क्रांति आई है। जितना फंड यहाँ पर आता है उस हिसाब से कोई काम हुआ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशी अब मैदान में भी चुनाव कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त मैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार महागठबंधन से RJD के प्रत्याशी चेतन आनंद। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में RJD ने इनके ऊपर दाव खेला है और ये चुनाव प्रचार के लिए भी क्षेत्र में पहुँच गए हैं। चेतन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? आप कैंपेन कर स्टार्ट कर दिया अपने क्षेत्र में। देखिए, माहौल बहुत एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ ही साथ डेवलपमेंट का कोई काम हुआ भी नहीं है। बहुत टाइम से कोई किसी ने डेवलपमेंट पे, 10 साल से हमारे अभी के विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट की ओर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। आज आप देखिएगा तो गाँव से शहर जो रोड कनेक्ट करती है उसका इतना बुरा हाल है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर मेडिकल कुछ इमरजेंसी हो जाए उसमें प्रॉब्लम आता है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो हमारे शिवहर से मुजफ्फरपुर का हाईवे और शिवहर से सीतामढ़ी का हाईवे, दोनों का कंडीशन बहुत ख़राब है। मोतिहारी वाला भी जो है, मतलब शिवहर से मोतिहारी, वो भी हाईवे ख़राब है। बेलवा घाट पे जो डैम बन रहा है वो पिछले 10-15 साल से वो बन ही रहा है, उस पर मतलब काम चल ही रहा है, अभी तक बना नहीं है वो। हाँ, और तो और खोरी पाकर पुल का एक समस्या है। ये पुल जो है बहुत पहले बनने वाला था लेकिन आज तक उसके ऊपर किसी का ध्यान। इन सब मुद्दों को जनता उठा रही है आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, जनता उठा रही है। हम खुद यहाँ पर रहते हैं, हम जान रहे हैं, पिछले 6-7 साल से हम आते जाते रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये सब काम जो है उसी टाइम से ये पेंडिंग है। तो आज हम लोग यहाँ पर जब हमको मौका मिला है, पिछले बार भी मम्मी को मौका मिला था, थोड़े से वोट के लिए आगे पीछे कर दिया गया। खैर, वो मामला कोर्ट में है, उसके ऊपर हम ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उसके वजह से आप समझ सकते हैं कि मतलब इतने टाइम से यहाँ शिवहर की जो जनता है वो एक तरीके से देख रही है कि डेवलपमेंट विकास नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप लवली आनंद के बेटे हैं, आनंद मोहन के पुत्र हैं, आप पिताजी या माताजी आपके राजनीतिक करियर में बहुत लंबे समय तक थे, नाम है उनका, आपका लेकिन नाम नहीं, जनता आपको पहचान रही है क्षेत्र में? बिल्कुल, हम तो 5-6 साल से यहाँ पर हैं, लगातार आते जाते रहे हैं। और तो और ये सब बात छोड़िए, हम बहुत पहले से, मेरा जो है शिवहर की जनता के साथ एक लगाव है। हम बहुत जब छोटे थे और पापा जेल में थे तब भी हम घूमने का काम किए थे, तो हमको जनता बहुत पहले से जानती है। आपको पहचानने में कोई गलतफहमी नहीं है? कोई गलतफहमी नहीं है। RJD में कहा जा रहा है कि शिवहर में RJD परिवार में ही कला चल रही है आपको टिकट उम्मीदवार बनाए जाने के बाद। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ सभी लोग हैं, ये सब बातें बस अफवाह हैं। जो मौजूदा विधायक है JDU के जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देख रहे हैं? आपको लग रहा है उन्होंने 10 साल तक कुछ काम नहीं किया? आप कह रहे हैं या जनता कह रही है? आप खुद जा करके घूम करके देखिए कि जनता क्या कह रही है। हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम ऑपोजिशन में इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन जनता भी ये कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ है। हम लोगों के आंखों के सामने अभी देखिए, ये शिवहर इतना छोटा जिला है, इधर कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। जितना फंड यहाँ पर आता है उस हिसाब से कोई काम हुआ नहीं है। बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है शिवहर, आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, इसको हम जीतेंगे तो हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहले रोड को सुधारेंगे, उसके बाद जो पुल पुलिया का काम है उसको करवाएंगे। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जो है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का हॉस्पिटल है हम चाहेंगे कि उसमें डेवलपमेंट हो और बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पर बने, क्योंकि ये जिला छोटा जिला है तो इधर इसको स्मार्ट सिटी तो ये ऑटोमेटिकली बना सकते हैं आप। इसमें कोई ज़्यादा फंड की आपको ज़रूरत नहीं है, छोटा जिला जल्दी डेवलपमेंट कर सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और ये हम लोगों ने होते हुए भी देखा है, जब पापा कम से कम 2 साल 6-7 महीने के लिए जब MP रहे थे तो उस टाइम भी जिस तरीके से आनंद मोहन जी ने पूरे जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र थे उसमें, तो उसका जो जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया था, जिस तरीके से विकास हुआ था उस समय, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। आप युवा हैं, आपके पार्टी के जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो भी युवा है, तेजस्वी यादव, आपका कोई रोड मैप है युवाओं के लिए?
देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने हर जगह ये बात पढ़ी है, हाँ, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर अपना इंडिया जेपी मूवमेंट, युवाओं के दम पे ही क्रांति आई है। आज हमारा जो युवा है उसको बाहर जा कर के बेइज्जत होना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा, मैं भी उनमें से एक हूँ। जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे तो आप भी जानते हैं किस तरीके से बिहारी शब्द को तोड़ मरोड़ दिया जाता है बाहर। हाँ, आज हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमें गर्व है बिहारी होने पर, और गर्व सही मायने में तब होगा जब हमारा बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। 15 साल से, माफ़ कीजिएगा, कोई डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में क्या था एजुकेशन का हाल 15 साल जब वो सत्ता में थे, मतलब इशारा आपकी तरफ। बिल्कुल, वो बदलेंगे, 15 साल और अच्छा होगा, बदलिए उनके। हम ये कह रहे हैं उनका 15 साल तो कुछ था ही नहीं, पहला 5 साल लोग कहते भी थे, तब हम लोग नीतीश जी के साथ थे, तब लोग कहते भी थे कि पहला 5 साल शायद कुछ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद आज आप देखिए जो भी, मतलब आप सरकारी उसको देख लीजिए किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ गया, ग्राफ देखिए, आप सारे ग्राफ को आप अपने सामने लाइए, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके डायरी में कोई ऐसा योजना है जो शिवहर जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे, कोई ऐसा काम? बिल्कुल बिल्कुल, आनंद मोहन जी ने 96 में रेलवे लाने का एक योजना बनाया था शिवहर में, जो कि सेंटर से पास कर दिया गया था। उस बात को बहुत साल हो चुके हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई काम नहीं किया, ज़मीन अलॉट नहीं किया। कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 साल पहले हम लोग सुरेश प्रभु जी से मिले थे, जो उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे का काम शिवहर में रोक करके रखा है। हमारा काम है कि मेरे पिता का जो सपना है शिवहर में रेलवे लाने का, उसको हम पूरा करेंगे। साफ तौर से चेतन आनंद कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव शिवहर से, तो सबसे पहले रेलवे का कार्य पूरा करेंगे जो इनके पिताजी का भी सपना था। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज शिवहर। हमारा काम है कि मेरे पिता का जो सपना है शिवहर में रेलवे लाने का, उसको हम पूरा करेंगे। युवाओं के दम पे ही क्रांति आई है। जितना फंड यहां पर आता है उस हिसाब से कोई काम हुआ नहीं है।